आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। वर्षों से हम सुनते रहे कि भारत एक विकासशील देश है और मेरा प्रश्न है कि आपका नाम तो बता दीजिए। विकास विकास विकसित देशों में गिने जाएंगे। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम राकेश प्रसाद है। क्या करते हैं? बेंगलुरु से आईटी प्रोफेशनल हूं सर। आईटी थैंक यू। बताइए बताइए, मेरे पूरा सवाल पूछो, समझा नहीं। सर मेरा प्रश्न है कि वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है, ऐसा समय कब आएगा कि हम भी विकसित देशों में गिने जाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल के लिए बधाई देता हूं। जब हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल में ये इच्छा जगती है, इसका मन में एक भाव जगता है कि भाई कब तक विकासशील, कभी तो विकास विकसित देश बनना चाहिए, और ये सवाल में वो एक इच्छा पड़ी है, आकांक्षा पड़ी है, और कर सके ऐसे व्यक्ति पर भरोसा भी पड़ा है। ये बात सही है कि बहुत देर हो चुकी है। देश आजाद होने के बाद हमने इसी मिजाज से भारत में जो आजादी का, देशभक्ति का जो माहौल था, उसको अगर इसी दिशा में चैनलाइज कर दिया होता, सही नेतृत्व दिया होता, तो हमारे पीछे कई देश हैं जो स्वतंत्र हुए, छोटे देश थे, वे भी आज समृद्ध देशों की गिनती में आ गए हैं। भारत के पास समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इच्छा शक्ति और 125 करोड़ देशवासियों का सपना बनना चाहिए कि हाँ, अब हमें पिछड़े रहना नहीं है, हमें बैकवर्ड की गिनती में आना नहीं है। पिछले 5 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा कि आज दुनिया में जो भी निर्णय हो रहे हैं, उन निर्णयों में हमारी आवाज सुनाई दे रही है। 2014 में जब मैं आया तो विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 11 नंबर पे थे, और आप जानकर के हैरान होंगे कि जब हम 11 नंबर पर थे तो उस समय के वित्त मंत्री, पुरानी सरकार के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, उनको लगता है इस देश में उनकी बराबरी की बुद्धि वाला कोई है ही नहीं। उन्होंने 2014 के पहले बजट के समय पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था, और बड़ी खुशी व्यक्त की थी कि हिंदुस्तान ने गर्व करना चाहिए कि हम दुनिया की 11वीं नंबर की इकोनॉमी बन गए। मैंने कोई हल्ला नहीं किया, कोई ढोल नहीं पीटे, आज हम नंबर 6 पे आ गए। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आजकल मैं राज्यों से जब बात करता हूं तो मैं राज्यों से पूछता हूं कि बताइए भाई, क्या कभी आपका राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख सकता है क्या? इसके लिए आप क्या योजना करेंगे? एक देश में माहौल बनाया है मैंने, और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। हम दुनिया की जो समृद्ध देश है, शक्ति है, उनके साथ जुड़े। अब देखिए, अभी हम स्पेस पावर बने, मुझे मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितने लोगों की घटना समझ आई है। अंतरिक्ष में जाकर के हमारे लोगों ने जो पराक्रम किया है,
देश की ताकत बढ़ती है, देश के हमारे नौजवान ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेके आते हैं, देश की ताकत बढ़ती है, हिंदुस्तान के नोबेल प्राइज पाने वालों में संख्या बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में हमने वैश्विक जो मानदंड बने हैं उसमें अपनी जगह बनानी है, और हम उन सारे क्षेत्रों में एक साथ काम पे लगे हैं। और आप देखिए, भारत के पास सब कुछ है एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र बन करके, एक विकसित राष्ट्र के रूप में जगह पाने के लिए, एक डेवलप कंट्री के रूप में जगह पाने के लिए। और जब देश के सामान्य नागरिक के मन में सपना आता है तब तो ये पक्का बनेगा।